वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द एड्रेस। और आगे मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊं, उससे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, ये स्टोरी जुड़ी हुई है हॉलैंड से। क्लास 9th में आपने हिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसमें आपको पता होगा जो हिटलर है वो जो ज्यूज लोग थे, JEWS, इन लोगों को मार रहा था, है ना। ये ज्यूज लोग हैं। तो अब जो ज्यूज लोग हैं वो अपनी जान बचा के दूसरी जगह पे भाग रहे थे। तो ये स्टोरी है, यहाँ पे मान के चलो ये जो लेडी है ये है JEWS, ये ज्यूज को बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब इस लेडी को और इसकी फैमिली को डर है कि हमें भी जो हिटलर है या उसका जो संगठन है वो हमें मार देंगे। तो ये जग वहां से भागना चाहती है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इसके पास बहुत सारा सामान है। तो इसकी एक फ्रेंड है ये वाली, जो कि ज्यूज नहीं है, ये कहती है कि तुम अपना सामान मेरे पास रख दो और जब बैटल खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, तो मैं तुम्हारा सामान वापस कर दूंगी। तो अब क्या होता है, ये जो लेडी है, जो ज्यूज है, जो बेचारी चली जाती है अपना सामान उसके रख के, बहुत टाइम बीत जाते हैं, अब ये बूढ़ी हो जाती है। ये अपनी डॉटर यानी कि अपनी बेटी को भेजती है उसी एड्रेस पे। कौन से एड्रेस पे, जहां पे इसने अपना सामान रखवाया था। तो अब ये जो बेटी है ये है पोएट, ठीक है, सॉरी राइटर। और जब ये जाती है उस एड्रेस पे, क्या उसे उसका सामान वापस मिलता है या नहीं मिलता, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब यहां पे है क्या, ध्यान से समझो, वो जो डॉटर है, जो बेटी है उस लेडी की जिसने अपना सामान भिजवाया था, वो उस एड्रेस पे पहुंच चुकी है। और वो वहां पे एक लेडी निकलती है, जब वो बेल बजाती है तो वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानती हो, आई आस्क्ड। यहाँ पे आई कौन है, ये डॉटर है, कौन है, डॉटर है, ठीक है, उसकी बेटी है। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और जिस औरत ने दरवाजा खोला उसने मुझे सर्चिंगली देखा। सर्चिंगली का मतलब है जब आप किसी को नहीं पहचानते तो पहचानने की कोशिश करते हो, याद करते हो यार कौन है कौन है। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, चिंक का मतलब है थोड़ा सा, उसने दरवाजा बिल्कुल जरा सा खोला। आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह से दरवाजा खोलते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं ताकि जो बाहर खड़ा है वो अंदर ना आ जाए, ठीक है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ा सा और पास आई और स्टेप के पास आके खड़ी हो गई। स्टेप के पास मतलब बिल्कुल दरवाजे के पास। नो आई डोंट नो यू, तो उस लेडी ने जवाब दिया, नहीं भैया मैं तो यार तुम्हें नहीं पहचानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, अरे याद करो मैं तुम्हारी सहेली जो तुम्हारी फ्रेंड थी ना मिसेज एस, उसकी बेटी हूं। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, लेकिन जिस लेडी ने दरवाजा खोला था उसने अपना हाथ जो है कहां पे रखा, दरवाजे के ऊपर बनाए रखा, ताकि वो ये नहीं चाहती थी दरवाजा और ज्यादा खुले, मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ भी अंदर का दिखाई दे। हर फेस वॉज एब्सोल्यूटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था कि सचमुच में वो मुझे नहीं पहचान पा रही। रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, बस वो मुझे घूरती रही चुपचाप। Perhaps I was mistaken, मुझे लगा यार कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। I thought perhaps it's not her, मुझे लगा शायद ये वो नहीं है, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। I had seen her only once fleetingly and that was years ago, fleetingly का मतलब है for a short time, मैंने उस लेडी को देखा था केवल एक बार बहुत छोटे से टाइम के लिए, बिल्कुल जरा सी देर के लिए, तो हो सकता है मेरे पहचानने में गलती हो रही हो। It was almost probable that I had rung the wrong bell. अब तो उसे लगता है, उसकी बेटी को लगता है, author को लग रहा है कि हो सकता है मैंने गलत दरवाजे पे घंटी बजा दी है। The woman let go of the door and stepped to side. अब जो है woman है, उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और वो भी साइड में आके खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. लेकिन जैसे ही वो बाहर आई मैंने क्या देखा भाई साहब, उसने मेरी मम्मी का कार्डिगन पहना हुआ है, हरे रंग का कार्डिगन, जानते हो जो लेडीज के जो स्वेटर होते हैं जिसमें बीच में बटन होते हैं। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और आपने देखा होगा कोई कपड़ा बार 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 धोते हैं तो उसका जो रंग है फेड होने लगता है, हल्का पड़ने लगता है। तो बता रही है उस पर जो बटन थे उसका जो रंग है वो हल्का पड़ने लग गया था। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर,
और जैसे ही उसने ये देखा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, उसके स्वेटर की तरफ देख रही हूँ, उसने तुरंत अपने आप को हेडमिस छिपा लिया, दोबारा से दरवाजे के पीछे वो छुप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे एक बात तो भैया पता चल गई थी कि मैं गलत दरवाजे पे नहीं आई हूं, इस औरत के मन में चोर है, ये हमारा सामान लौटाना नहीं चाहती। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, आप मेरी मम्मी को जानती थी, मैंने उससे पूछा। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, अब जो औरत है अचानक से उसे सरप्राइज होता, अरे तुम लोग वापस आ गए, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे लगा कोई वापस नहीं आया। तो वो कहती है ओनली मी, जो राइटर है वो कहती है केवल मैं वापस आई हूं। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। जब वो मैं और वो बात ही कर रहे थे तभी उसके पीछे से पैसेज में गलियारे में एक दरवाजा खुला, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अब मस्टी स्मेल का मतलब होता है जैसे सीलन की सी स्मेल होती है ना, डैम्प, वो वाली। आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, अब वो जो लेडी है वो कहती है मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। लेकिन अब वो जो लड़की है, जो ऑथर है, वो कहती है मैं ट्रेन में स्पेशली बैठ के आई हूं, मुझे बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। इट इज नॉट अ कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम। अब वो कहती है भैया ये बात करने का सही टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दूसरी टाइम आना, अनदर टाइम का मतलब है दूसरे टाइम। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने बस नोड कर दिया, मतलब गर्दन से जवाब दे दिया कि अभी बात नहीं कर सकती। Cautiously का मतलब है बहुत ध्यान से उसने दरवाजा बंद किया ताकि अंदर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें कुछ भी पता ना चले, वो डिस्टर्ब ना हो। I stood where I was on the step. मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। The curtain in front of the bay window moved. आपने देखा होगा घर के दरवाजे, मतलब मेन साइड में जो साइड में विंडोज लगी रहती है तो उसमें पर्दा लगा रहता है, तो वो कह रही है वो जो पर्दा है मैंने देखा वो हिला। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. तो जब मैं उस लेडी से बात कर रही थी किसी ने अंदर से मुझे देखा होगा, और अब जब वो लेडी अंदर गई है तो किसी ने पूछा होगा कि भाई दरवाजे पे कौन था। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग, और उस औरत ने ये जवाब दे दिया होगा अरे कोई नहीं था, तुम ध्यान मत दो। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने दोबारा से नेम प्लेट को देखा। अब जो बातचीत है वो खत्म हो गई, वो लेडी अपने घर में चली गई, दरवाजा बंद है, तो उसने सोचा दोबारा से यार नेम प्लेट देखती हूँ। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल, तो व्हाइट सरफेस पे क्या लिखा हुआ था, डार्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम पोस्ट अ बिट हायर द नंबर 46, तो मतलब मैंने दोबारा से कंफर्म किया कि कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं हूं, और देखा वही नंबर है, नंबर 46 ही है, डार्लिंग ही लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब देखो क्योंकि वो ट्रेन से आई थी तो वापस जा रही है स्टेशन की तरफ। आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स अगो, जब मैं वापस जाने लगी स्टेशन की तरफ तो मुझे अपनी मम्मी की याद आई जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था न जाने कितने साल पहले। It had been in the first half of the war. अब दोबारा से वो past में चली गई है, मतलब वो वापस जा रही है, जैसे movies में दिखाते हैं ना 20 years back, 20 साल पहले, 15 साल पहले, अब वो पीछे की बात बताएगी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. अब वो बहुत पुरानी बात बता रही है, जब वो छोटी थी वो अपने घर आई थी तो वो कहती है कि जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि मेरे रूम्स में कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें चेंज है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने देखा बहुत सारी चीजें गायब है। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी मम्मी सरप्राइज हो गई कि मैंने इतनी जल्दी से पहचान लिया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ये बताना चाह रही है कि जब मैं एक बार छोटी थी अपने घर पे आई थी कहीं से, हो सकता है कहीं वो बाहर पढ़ रही हो, तो उसी टाइम पे जो डार्लिंग थी, जो आंटी थी ये वाली, जो आज मुझे पहचान नहीं रही थी, ये हमारे घर से थोड़ा थोड़ा करके सामान ले जा रही थी। तो जब मैं अपने घर आई तो जाहिर सी बात है मैंने देखा वो वाली चीज नहीं है, यहाँ पे वो रखा रहता था, यहाँ पे गुलदस्ता रखा रहता था, वो नहीं है, तो मैंने पहचान लिया कि भाई वो चीजें कहाँ है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मुझे डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she hadn't seen for years. हालांकि मैं नहीं जानती थी कौन है डार्लिंग, लेकिन मुझे बाद में पता चला मेरी मम्मी की उनसे कुछ जान पहचान थी जिससे पहले मेरी मम्मी बहुत सालों से मिली नहीं है, लेकिन दोबारा से अब मेल जोल शुरू हो गया। She had suddenly turned up and renewed their contact.
वो अब दोबारा से लोग मिलने लगे हैं और मतलब रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट का मतलब है अब, क्योंकि बहुत सारे सालों से तो क्या नाम है वो हुई नहीं है, मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब उनका जो कॉन्टेक्ट है वो उन्होंने रिन्यू कर लिया, मतलब एक दूसरे घर आना जाना. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से ही वो हमारे यहाँ रेगुलरली आती है, ठीक है, ऐसा वो सोच रही है सारी चीजें. एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर. मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब भी वो यहाँ पे आती है, हमारे घर आती है, तो कुछ ना कुछ वो यहाँ से ले जाती है. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. टेबल सिल्वर का मतलब है डाइनिंग टेबल के ऊपर जो अच्छी अच्छी चम्मचे प्लेट ये सब रखी जाती हैं, तो एक बार तो वो सब ले गई. एंड देन शी एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और वो जो घर में जो एंटीक चीजें होती है ना, जो आर्ट वगैरह जो बहुत महंगी होती है, वो ले गई एक बार. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस. लगिंग का मतलब होता है कैरी, उससे जो बड़े बड़े वासेस को ले जाने में, गुलदस्तों को ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम थी. एंड आई एम वरीड शी गॉट अ स्ट्रिक इन हर क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. और वो जो क्रॉकरी यानी बर्तन वगैरह वो सब इतने भारी थे कि मुझे चिंता थी कहीं उसके कमर में झटका ना आ जाए, ठीक है, क्रिक का मतलब है झटका. माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, और मेरी मदर ने अपना जो सिर हिलाया मतलब एक बड़ी ही दया के साथ. अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये बहुत पुरानी बात है, जब उन दोनों लेडीज के बीच में बात हो रही थी तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि ये जो औरत है ये हमारी हेल्प कर रही है, कल को ये हमारा सामान हमें वापस कर देगी, ठीक है, क्योंकि हमें कभी भी अपना घर छोड़ के वापस जाना पड़ सकता है. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क्ड हर. मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपनी मम्मी से पूछने की. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड, सॉरी आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. तो मतलब वो पूछ रही है, जो डॉटर है वो पूछ रही है, सॉरी जो लेडी है वो कह रही है, कभी मेरी उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि आप हमारी हेल्प कर दोगी कि हमारा सामान रख लो, हमें तो कभी भी जाना पड़ सकता है. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, ये उसी ने कहा था मुझसे. ये कौन बता रहा है? मदर बता रही है अपनी डॉटर को कि मिसेस डॉर्लिंग ने ही मुझसे कहा था कि आप अपना सामान हमारे घर रख दो. शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग. वो तो बेचारी इतनी अच्छी औरत है, वो हमारी सारी चीजों की सेफ रखना चाहती है. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. और वो ये कहती है, देखो कभी भी आपको घर छोड़ के भागना पड़ सकता है ना, तो इससे बढ़िया है कि सामान आप हमारे पास रखवा दो, कल को जब बैटल हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी, हम आपका सामान वापस कर देंगे, आपकी चीजें सुरक्षित रहेंगी, और अगर आपको यहाँ से जाना पड़ा तो सारा सामान यही रह जाएगा, हो सकता है पीछे कोई लूट ले. Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो अभी जो डॉटर है यानी कि जो ऑथर है वो अपनी मम्मी से पूछती है, क्या आपने उससे ये पूछ लिया कि वो हमारी सारी चीजों को संभाल के रख लेगी? As if that necessary, my mother cried. अब मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया, अरे पागल, एक तो वो हमारी हेल्प कर रही है वो लेडी, मैं उससे ये पूछूंगी कि वो हमारा सामान रख लेगी या नहीं? It would simply be an insult to talk to like that. अगर मैं उससे इस तरह से बात करूंगी, उस लेडी से जो बेचारी हमारी हेल्प कर रही है, तो उसकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी. And think about the risk she is running each time she goes out of the door with a full suitcase or bag. और मेरी माँ ने मुझसे कहा, अरे पागल, ये सोच कि वो कितना रिस्क उठा रही है, जब भी आती है एक सूटकेस भर के ले जाती है, अगर कोई उसे देख लेगा तो उसके खिलाफ भी केस बन जाएगा, ठीक है. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. हालांकि मेरी मदर ये समझ गई थी कि मैं पूरी तरह से अपनी मम्मी से सहमत नहीं हूँ. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. Reproving का मतलब है एक तरह से मतलब बुरा सा गंदा सा लुक देना, किसी को डांट के देखना घूर के. मेरी मम्मी ने मुझे घूर के देखा, जो कि एक साइन था कि मैं इसके बारे में बात ना करूं, और फिर हमने इसके बारे में कभी भी बात नहीं की. तो यहां तक हमें एक चीज समझ में आ गई, उस औरत जो कि डॉर्लिंग है, उसकी नीयत शुरुआत से ही खराब थी. उसने झूठ बोला था कि आप अपना सामान हमारे पास रखवा दो और जब बैटल खत्म हो जाएगा हम आपको ये दे देंगे, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. क्योंकि अब वो वापस आ रही है उदास, उस औरत ने मना कर दिया बात करने से, तो वो जब स्टेशन पे आ रही थी तो वो अपनी पुराने ख्यालों में खोई हुई थी, तो उसने रास्ते पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो स्टेशन पे आ गई. आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन द नेसेसरी. अब वो कह रही है
ये वो ही जगह है जहां पे हम एक बार रहते थे, फैमिलियर का मतलब जिस जगह को हम जानते हैं वॉर रहने से पहले। लेकिन फिर भी मैं मतलब बस जो मेरा काम था, बस मैं काम से काम मतलब रखना चाहती थी, बस उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज। अपसेट का मतलब होता है दुखी होना। यार आप ये सोचो कि आप किसी जगह पर रहते हो, वहां से आपको निकाल दिया जाए, वहां से आपको आपको और आपकी फैमिली को भागना पड़े, तो ऑब्वियसली जब वो मेमोरीज आपको आएंगी, जब वो चीज देखोगे तो आपको दुख होगा। तो वो कह रही है मैं अपने आप को और हर्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा इतना अच्छा प्रेशियस टाइम था और अब इतना खराब हो गया था, मतलब हमें वहां से जाना पड़ा था। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट हर। ट्रेन में मैंने दोबारा से मिसेस डॉर्लिंग को देखा और वो बिल्कुल ऐसी थी जैसा मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा। अब यहाँ पर ट्रेन में देखने से मतलब समझो उसकी इमेजिनेशन, वो दोबारा से पास्ट में चली गई, सोच रही है। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। अब दोबारा से पास्ट की बात चल रही है, याद रखना कि जब मैंने दूसरी बार उसे कब देखा था, मतलब इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी मम्मी ने उसके बारे में मुझे बताया था, उसके अगले दिन मैंने उसे देखा था पहली बार। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं उस दिन लेट उठी थी, मैं नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मम्मी किसी को बाय बोल रही है। सी समवन आउट का मतलब है सी ऑफ करना। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक औरत थी जिसका जो पीछे वाला हिस्सा था काफी चौड़ा सा था। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी मम्मी ने कहा ये है मेरी बेटी। शी बैकॉन टू मी, उसने मुझे इशारा किया, मतलब मेरी मम्मी ने मेरी तरफ इशारा किया। बैकॉन का मतलब इशारे से बुलाना। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, बस जो औरत थी, एक्चुअली वो औरत कोई और नहीं थी, वो मिसेस डॉर्लिंग ही थी, उसने बस अपनी गर्दन से इशारा किया और उसने वो कोट रैक, क्योंकि जब भी वो आती थी कुछ ना कुछ सामान उठा के ले जाती थी, वो उसने उठा लिया। शी वॉर अ ब्राउन कोट, उस दिन उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और शेपलेस हैट, एक हैट लगाई हुई थी। डज शी लिव फार अवे आई आस्क्ड, मैंने अपनी मम्मी से उस दिन पूछा था क्या ये बहुत ज्यादा दूर रहती है ना। Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case, क्योंकि उन्हें अपने साथ इतना भारी भरकम सूटकेस उठा के ले जाना था, तो मुझे मतलब उन पे थोड़ा सा तरस आया, दया आया। मैंने अपनी मम्मी से पूछा क्या ये आंटी बहुत दूर रहती है क्या। In Marconi Street said my mother, मेरी मम्मी ने कहा ये Marconi Street में रहती है, number 46, remember that, याद रखना। तो अब वो देखो याद है उसे, उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि एड्रेस है 46, है ना, Marconi Street। आई हैड रिमेम्बर इट, मुझे ये याद था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया दोबारा से वहां पे जाने में। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड टू इट। लिबरेशन एक वर्ड आया, लिबरेशन का मतलब है जब बैटल खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, शांति आ गई, उसके बाद क्या हुआ, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पुराने उस सामान को लाने में, और कहीं ना कहीं मैं डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट हैड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। अब देखो कौन से कनेक्शन की बात कर रही है, क्योंकि वो सारा सामान उसकी मम्मी का था और आज की डेट में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो जब अगर मैं उस सामान को ले भी आती हूँ उस एड्रेस से जाके, तो मुझे कन्फ्रंट करना पड़ेगा, मतलब वो सारी चीजें मेरी माँ की याद दिलाएंगी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। तो उसे लग रहा है कि वो सारी चीजें उस लेडी ने कैसे रख रखी होंगी, संभाल के रख रखी होंगी, बॉक्सेस में रख रखी होंगी, और वो सारी चीजें वेट कर रही होंगी कि कब हम आए और उन्हें दोबारा लें। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। अब देखो एंड्योर का मतलब होता है कोई चीज सही सलामत रहना, क्योंकि अब भाई एक ग्लास है, वो 20 साल पहले भी ग्लास था, आज भी ग्लास है और 20 साल बाद भी ग्लास है, लेकिन एक इंसान है, हो सकता है आज है कल वो जिंदा नहीं है। तो वो ये कह रहा है, कह रही है कि मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब मैं उस वाले सामान का क्या करूंगी, अगर वो सामान मैं दोबारा उठाती हूँ, ले भी लेती हूँ, तो वो मुझे माँ की याद दिलाएंगे, जिससे मुझे और ज्यादा दुख होगा। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब वॉर खत्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, अब अच्छे कलर की ब्रेड मिलने लगी, मतलब एक सॉफ्ट ब्रेड मिलने लगी वाइट। देयर वॉज अ बेड टू यू कुड स्लीप अनथ्रेटन्ड, अब अनथ्रेटन्ड का मतलब है अब तुम बिना डरे सो सकते थे, मतलब वो कह रही है
अब पहले वाला डरने वाला माहौल नहीं था जब एक टाइम पे हम लोगों को मारा जा रहा था, उठा के घर से भगाया जा रहा था। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। अब हम लोग अपने घर से एक अच्छा व्यू देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और अचानक से मुझे एक दिन लगा कि यार उस वाले एड्रेस पे जाना चाहिए जहां हमारी चीजें रखी है। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेम्बर। मैं उन सारी चीजों को देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, याद करना चाहती हूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई इट अ सिंग। वेन का मतलब है, कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, मतलब किसी चीज का कोई रिजल्ट ना निकलना। जब मैं पहली बार गई थी तो कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने डिसाइड किया मैं दूसरी बार दोबारा गई। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब इस बार जो दरवाजा खोला, एक लड़की ने खोला जो कि लगभग 15 साल की थी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है। नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड। उसने कहा मेरी मम्मी नौकरी पे गई है, जॉब करती है, छोटी मोटी। एरेंड का मतलब है छोटा मोटा कोई काम करना जिससे इंसान पैसा कमाता है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट हर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं वेट कर लूंगा उनका जब तक वो नहीं आएंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। तो अब मैं लड़की के साथ अंदर गई घर में, पैसेज का गलियारा। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर, हनुका मतलब है एक कैंडल स्टैंड, ठीक है, जिसमें कैंडल लगाई जाती है, हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। मिरर के सामने एक वो लगा हुआ था कैंडल स्टैंड, मोमबत्ती वाला। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब उसे याद आ गया ये भी हमारा है, जो कैंडल होल्डर था वो उनका था, लेकिन वो कहती है हमने कभी ये यूज नहीं किया था क्योंकि ये कम्बरसम का मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम था, इसलिए हम यूजली यूज करते थे केवल एक ही कैंडल। वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क द गर्ल। तो उस लड़की ने पूछा क्या आप बैठोगी नहीं, प्लीज बैठ जाओ। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ अ लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट। उसने लिविंग रूम खोल दिया और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और मैं डर गई। I was in a room I knew and did not know. मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती। क्यों ऐसा वो क्यों कह रही है, क्योंकि वो जो जगह थी वो तो उस जगह को तो वो नहीं जानती थी, लेकिन उस रूम के अंदर जो सामान था वो उसका था, इसलिए वो कह रही है मैं एक ऐसी जगह पे थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन। मैंने अपने आप को उन्हीं चीजों के बीच में पाया जो मैं एक टाइम पे नहीं चाहती थी कि मैं दोबारा देखूं। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर, और ये सारी चीजें ऑप्रेस कर रही थी मुझे, मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर आई डू नॉट नो। तो अब वो कहती है कि पता नहीं मुझे किस वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा था उस लिविंग रूम में, हो सकता है उन चीजों की वजह से क्योंकि ये सारी चीजें हमारी थी जो उस कमरे में है, मेरी मदर की थी, या हो सकता है उस कमरे में जो फर्नीचर था बड़ा गंदा सा था, सोफा, या वहां जो मगी स्मेल, मतलब सीलन की सी बदबू आ रही थी, किस वजह से मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और मैं देख भी नहीं पा रही थी अपने चारों तरफ। क्यों? क्योंकि जहां पे भी मेरी नजर जा रही थी वो सारी चीजें हमारी थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सैट डाउन एंड स्टेयर एट द वुडन टेबल क्लॉथ। लड़की ने मेरे लिए चेयर रखी, मैं चेयर पर बैठी, और जैसे ही मैं चेयर पर बैठी मैंने वहां एक टेबल थी, टेबल पर पड़ा हुआ कपड़े को देखा। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मैंने उस पर हाथ फेरा और मेरी हाथ फेरते ही मेरी उंगलियां गर्म हो गई। तो इसे याद आ गया ये जो टेबल के ऊपर क्लोथ पड़ा हुआ है ये भी हमारा है, ठीक है। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। तो उसे याद आ जाता है कि ये तो हमारा टेबल क्लॉथ है और इसके ऊपर एक जले हुए का निशान था, एक बार ये जल गया था जिसे कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माय मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप। तो वो लड़की कहती है मेरी मम्मी जल्दी ही वापस आने वाली होंगी और मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बना दी, क्या आप चाय लोगी, थैंक यू। तो ये कहती है हाँ ठीक है, ओके बना लो चाय, थैंक यू। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी फॉर द ऑन द टी टेबल। मैंने देखा कि लड़की जो है वो कप्स रेडी कर देती है जिसमें चाय डालनी है। शी हैड अ ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर, उसका भी जो पीछे वाला हिस्सा था वो चौड़ा था अपनी मम्मी की तरह। शी पोर टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट से टी डाली कप में। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इस पूरे के ऊपर जो गोल्ड का बॉर्डर हो रखा था, ठीक है, आई रिमेम्बर्ड, यानी कि जिस
पॉट से वो चाय डाल रही है कप में, ये जो पूरा सेट है ये भी उन लोगों का ही है। शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उस तभी उसने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मचें निकाली। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माय ओन वॉइस, तभी उसने कहा कि भाई ओ वाओ कितना अच्छा बॉक्स है, मतलब वो बोलना नहीं चाहती थी फिर भी वो बोल पड़ी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मतलब वो यहाँ पे कहना चाह रही है कि मतलब मैं बोलना नहीं चाहती थी फिर भी मेरे अंदर से आवाज निकल आई, वाओ कितना अच्छा बॉक्स है। Oh, you know about them? Oh, आपको पता है वो लड़की यती इनके बारे में? She had turned round and brought my tea. वो मुड़ी और मेरी चाय लाई। She laughed, वो हंसी। My mother says it is antique. मेरी मम्मी कहती हैं ये सारी चीजें एंटीक हैं, बड़ी महंगी हैं। We have lots more. She pointed round the room. See for yourself. और वो जो बच्ची है, अब हमें क्या पता चल रहा है, वो बेचारी उस बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है, छोटी बच्ची का, उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उसकी मम्मी ने उसे ये कभी बताया ही ना हो कि ये हमारा नहीं है, ये तो वो किसी और से मांग के लाई है, तो उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो बच्ची बिल्कुल मतलब सच्ची है। तो वो कहती है आप खुद ही देख लो, हमारे तो रूम में ये सारी चीजें लगी हुई हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई न्यू विच थिंग शी मेंट। तो यहाँ पर राइटर हमें बता रही है कि मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की, इशारे को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये किन चीजों की बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और स्टिल लाइफ का मतलब है वो जो पेंटिंग जो टी टेबल के ऊपर रखी हुई है, बस मैं उसे ही देखी जा रही थी, वो भी हमारी है। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, और उस पेंटिंग के ऊपर जो एप्पल रखे हुए हैं प्यूटर प्लेट में, प्यूटर प्लेट क्या होती है, ग्रे कलर का एक मेटल होता है, एलॉय होता है उसे कहते हैं, तो मेरा हमेशा मन करता था काश मैं भी इसी एप्पल में, मतलब वो एक डिजाइन बना हुआ है, काश ऐसे ही मैं सचमुच में खाऊं। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, तो वो जो छोटी बच्ची है, ये जो हम एंटीक चीजें हैं, ये जो कप प्लेट कटोरी, इन्हें हम हर चीज के लिए यूज करते हैं, और वो जो आप देख रहे हो जो हमने वॉल्स पर सजाए हुए हैं, वंस वी इवन एट ऑफ, एक दिन हमने इनमें खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन बहुत मेरा मन था लेकिन जब हमने इसमें खाना खाया तो कुछ भी स्पेशल मुझे लगा नहीं। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, तो क्योंकि जो राइटर है, राइटर को पता था कि वो जो टेबल क्लॉथ है उस टेबल क्लॉथ पे ऊपर एक जले हुए का निशान है, वो उसे मिल गया, तो जो लड़की है छोटी सी 15 साल की, वो उसे देखती है कुछ क्वेश्चनिंग, मतलब अजीब से। यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दोज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तो अब वो जो राइटर है वो उस बच्ची से कहती है हाँ जब तुम्हारे घर में ये सारी चीजें हो जाती तो आप उनके यूज टू हो जाते हो, तो आप ठीक से उन्हें देखते भी नहीं हो। यू ओनली Notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. बस आप उन पे ध्यान तब देते हो जब कोई चीज उनमें से मिसिंग होती है या किसी चीज को दे दिया जाता है रिपेयर करने के लिए, या जब आप इसे किसी चीज को लेंट कर देते हो, मतलब किसी को दे देते हो उधार, तब आपको याद आती है उन चीजों की। Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. अचानक से दोबारा मैंने अपनी ही खुद की आवाज सुनी, कौन राइटर हमें बता रही है, मुझे याद आया एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था क्या मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ सिल्वर को पॉलिश करने में। यहाँ सिल्वर क्या है, वो जो चम्मच है और वो जो प्लेट्स हैं वो सब चांदी के थे। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। ये बहुत पुरानी बात है क्योंकि शायद उस दिन या तो मैं बोर हो रही थी घर में, कुछ काम नहीं था करने को, या शायद मैं बीमार थी तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, ऐसा मेरी मम्मी ने कभी मुझसे कहा नहीं था, तो हो सकता है मेरा ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कहा हो। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी replied surprised that it was the spoons, forks, knives, of course. जब मैंने अपनी मम्मी से पूछा था उस टाइम पे, मम्मी कौन से सिल्वर की बात कर रही हो, तब उन्होंने ये कहा तुम्हें नहीं पता बेटा मैं स्पून्स चम्मचों की, फॉक्स की, कांटों की, चाकुओं की बात कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो अब यहाँ पर राइटर कहती है कि उस टाइम पे मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुई, बड़े सरप्राइज हुई
कि जिन कटलरी में जिन बर्तनों में हम रोज खाना खाते थे उस दिन मुझे पता चला वो सब चांदी के बने हुए थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो जो लड़की है 15 साल की वो दोबारा से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर, आई लुक इंटेंटली एट हर। तो वो लड़की कहती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा कि हमारा भी जो सिल्वर है, मतलब हमारी भी जो कटलरी है वो भी चांदी की बनी हुई है। मैंने उसे ध्यान से देखा। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, तुम्हें पता है कि हम किस में खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, कि आपको पता है। शी हेजिटेटेड, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक इट्स इन हियर। मैं अब तो वो उठी वहां से और जो डाइनिंग रूम होता है उसी में साइड में रैक बनी होती है जहां पे चम्मच वगैरह रखते हैं सब लोग। तो वो वहां उठी, वो कहती है चलो मैं आप तुम्हें दिखाती हूँ। आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तभी मैं खड़ी हो गई, राइटर कहती है मैं खड़ी हो गई क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है वापस। एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है वो राइटर झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं उसे अब अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि सारी चीजें जो वो लड़कियां दिखा रही है उसे वो सारी उसी की है, उसकी मम्मी को बिलोंग करती है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर। उसने जैसे ही अपना हाथ ड्रॉअर के ऊपर रखा उसने कहा क्या आप मेरी मम्मी से नहीं मिलेंगी। नो नो नो, आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे। तो जो उसने कहा नहीं नहीं अब मुझे जाना चाहिए भैया, मेरा ट्रेन का टाइम हो रहा है। तो लड़की ने जो ड्रॉअर खोला तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, दरवाजा मैं खुद से चली जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स। जैसे ही मैं पैसेज में से यानी उस गलियारे में से बाहर की तरफ आ रही थी, मैंने जो चम्मच हैं और जो कांटे हैं फॉक्स हैं उनके खनखनाने की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे बुला रही हूँ, है ना, क्योंकि वो उसी की थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड। दोबारा से जाते वक्त मैंने दोबारा से देखा, ठीक है क्या लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट, वही गली थी, कहीं मैं गलत तो नहीं थी, 100% सही थी। इट हैड बीन एट अ नंबर 46, नंबर 46 ही था। द एड्रेस वॉज करेक्ट, करेक्ट एड्रेस था, बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट्स आर लिंक्ड टू इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ द फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन सेवियर्ड फ्रॉम देम। सेवियर्ड का मतलब होता है सेपरेटेड। मैं अब उन चीजों को वापस नहीं ले जा चाहती, ना ही उन्हें याद करना चाहती, क्योंकि उनकी वैल्यू तब तक थी जब तक वो अपनी जगह पर थी। यहाँ पे वो बात कर रही है जब तक वो मेरी माँ के साथ थी, जब तक वो हमारे पुराने घर में थी तब तक उनकी मेरे लिए वैल्यू थी, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। यू सी देम अगेन एंड अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर्स स्टिल हंग्स अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉअर। और अब वो कहती है कि अब अगर मैं इसे ले भी लूं किसी भी तरह से, मैं ये कह दूं ये तो सामान हमारा है और मैं इसे ले भी जाऊं, तो अब मैं इसका करूंगी क्या, क्योंकि मैं तो अब किराए के कमरे में रहती हूँ, छोटे से कमरे में, अब हमारे पास उतना बड़ा घर भी नहीं है और मेरे पास रखने के लिए कटलरी, ये सारा सामान सजाने के लिए जगह भी नहीं है, ड्रॉअर भी नहीं है, तो मेरे लिए अब ये सारी चीजें बेकार है। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, बस मैंने अब तय कर लिया कि मैं इस एड्रेस को याद नहीं रखूंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट, और जो भी चीजें मुझे भूलनी है उसमें सबसे आसान रहेगा मेरे लिए इन चीजों को भूलना। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है खत्म। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। जो घर था, घर का नंबर क्या था, 46, 47, 48 या 49, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ एक अगले एपिसोड, बाय।